अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनान और आपको वेलकम कहता हूं एक बार फिर हनटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो यार, गुज़िश्ता ईद आप लोगों को भी मुबारक हो। थोड़ा सा लेट हूं लेकिन उम्मीद करता हूं आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ। मेरी तो ईद खैर मेडिसिन वगैरह में गुजरी है काफी, लेकिन उम्मीद है आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। सो यार, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जिस स्मार्टफोन से रिलेटेड बात करने वाले हैं वो ऑनर का ही एक स्मार्टफोन है जो कि अभी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि सुनने में आ रहा है ऑनर के स्मार्टफोन मार्केट्स में वापस आना स्टार्ट हो गए हैं और इनके अंदर आपको गूगल प्ले सर्विसेज सारी मिलना स्टार्ट हो गई हैं। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड की प्रॉपर सपोर्ट देखने को मिलती है और सारे एंड्रॉइड वाले फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब हुआवे और ऑनर पहले एक ब्रांड हुआ करते थे, हुआवे का सब ब्रांड ऑनर हुआ करता था, अब ऑनर एक अलग ब्रांड हो गया, तो इस वजह से आपको एंड्रॉइड फुली प्रॉपर देखने को मिलता है ऑनर के स्मार्टफोन में। सो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनर X7 से रिलेटेड जो कि अभी लॉन्च हुआ है इंटरनेशनली और रिसेंटली अभी दुबई में लॉन्च हुआ है। और अगर आप इसके फीचर की बात करते हैं तो ये फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन नहीं है, बिल्कुल एक स्टार्टिंग स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक जो नॉर्मल फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि एवरेज एक स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर स्मार्टफोन के डिजाइन की बात कर लें तो ये इसका प्लस पॉइंट होने वाला है। अगर आप ऑनर या हुआवे की बात करते हैं तो इनके स्मार्टफोन शुरू से ही डिजाइन वाइज बहुत कमाल रहे हैं। अगर आप इनके डिस्प्ले या इसके आप बैक की बात करते हैं तो इसके काफी ग्लॉसी और शाइनी सी बैक आया करती थी और इनका डिजाइन शुरू से ही हर कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था। इसके भी अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो बैक पे प्लास्टिक का यूज किया हुआ है, ऑल्दो काफी शाइनी बैक है लेकिन फिर भी प्लास्टिक यूज किया गया। फ्रंट पे भी आपको ग्लास देखने को मिलता है जबकि साइड फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर स्मार्टफोन के आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.74 इंच का आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है और अगर आप इसके अंदर आप रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 720 पिक्सल वाली रेजोल्यूशन है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है जो कि अब मेरा ख्याल है नॉच डिस्प्ले किसी भी कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा, अगर आप लो प्राइस में जाते हैं तो वहां पे आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, नहीं तो मैक्सिमम आपको हर कंपनी की तरफ से पंच होल देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको रेजोल्यूशन भी 720 पिक्सल की देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप स्मार्टफोन के कैमरा की बात करें तो जो बैक के कैमराज है क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और काफी यूनिक डिजाइन बनाया गया बैक कैमरा में। अभी तक ऐसा डिजाइन आपको किसी भी कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिला, मैंने अभी तक ऐसा डिजाइन किसी भी कंपनी के किसी स्मार्टफोन में अभी तक नहीं देखा। अगर आप कैमरास की बात करते हैं तो बैक पे जो क्वाड कैमरा सेटअप है उसमें जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का है, साथ आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 22 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो सेंसर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप फ्रंट की बात कर लें तो फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी शूटर देखने को मिलता है जो कि एक थोड़ा सा कम रेजोल्यूशन है जो कि इसे थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था। इसके अंदर आपको 12 या 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता था सिंगल सेल्फी शूटर, 8 मेगापिक्सल है तो आप इसके अंदर लो क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी और 1080p तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक और फ्रंट कैमरा से आप। जबकि अगर आप इसके अंदर आप बैटरी की बात कर ले तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको 22.5W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। अभी जो चार्जिंग है ये टाइप सी वाली चार्जिंग है और हेडफोन जैक इस स्मार्टफोन में अवेलेबल है। इसके अंदर आप हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है जिसके अंदर आप दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं जो कि शुरू से हुआवे में यही आपको शुरू से देखने को मिलता है। अगर आप हुआवे के यूजर रहे हैं तो हुआवे और ऑनर के स्मार्टफोन में आपको शुरू से ही हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिला करती थी तो इसके अंदर भी आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात कर लें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है हर कंपनी किसी न किसी स्मार्टफोन में दे चुकी है और मैक्सिमम अगर आप इस प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम जो है मैक्सिमम आपको 40 या 50 हजार या 35 से 40 हजार के स्मार्टफोन में देखने को मिल चुका है अभी तक। तो अगर आप अभी रिसेंटली बात करते हैं तो ये आपको ओप्पो के F21 Pro में भी देखने को मिल चुका है जो कि थोड़ा सा मुझे अंडर पावर प्रोसेसर लगता है जो कि इससे थोड़ा सा फास्ट दिया जा सकता था। अगर आप इसके N22 के स्कोर की बात भी करते हैं तो ये तकरीबन 2,24,000 के अराउंड आपको देखने को मिलता है जो कि अगर आप इसकी परफॉर्मेंस वगैरह की बात करते हैं पबजी या अगर आप इस पे गेमिंग करते हैं तो पबजी पे ये स्मूथ के ऊपर आपको हाई फ्रेम रेट दे देता है लेकिन मीडियम पे ये आपको स्मार्टफोन बैलेंस की सेटिंग देता है। तो अब अगर इस प्रोसेसर की बात करें क्योंकि अब ये हर कंपनी अपने किसी न किसी स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर दे चुकी है तो हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये हर कंपनी की तरफ से दिया गया तो इसकी भी प्राइस देखनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तानी मार्केट में कितने में लॉन्च होगा और किस तरह से मार्केट को गेन करेगा। इसके अलावा अगर ऑनर X7 के सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और फ्रंट कैमरा में आपको फेस आईडी की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड काफी क्विक होने वाली है क्योंकि ये ऑनर का स्मार्टफोन है और ऑनर के फिंगरप्रिंट शुरू से ही काफी ज्यादा तेज रहे हैं जो इसके अंदर भी जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी फास्ट देखने को मिलेगा। अभी तक की जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो अराउंड 40 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी जो कि 40 से कम भी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये महंगा स्मार्टफोन होगा अगर ये 40 की प्राइस पे टैग में कहीं पे जाके आता है। तकरीबन ये 25 या 30 हजार की रेंज में कहीं जाके आए तो समझ आएगा क्योंकि एक 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले है और नॉच डिस्प्ले है। अब तो नॉच डिस्प्ले आना भी बंद हो गए हैं, मैक्सिमम पंच होल आते हैं। वीवो के किसी स्मार्टफोन में आता है, Y37 में आया था जिसकी प्राइस थोड़ी सी ओवर प्राइस थी,
तो ये भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा ओवर प्राइस होगा अगर इसी 40,000 की रेंज में अगर कहीं पे जाके आएगा तो। अब देखना पड़ेगा मार्केट को किस तरह से गेन करेगा, कहीं इनका भी नोकिया वाला हाल ना हो, क्योंकि नोकिया भी जब मार्केट में दोबारा आई थी तो उन्होंने भी कई गलतियां की जिसकी वजह से नोकिया दोबारा चल नहीं पाई। तो देखना पड़ेगा कि ऑनर के स्मार्टफोन किस तरह से मार्केट को गेन करेंगे। अब ये जब आएंगे तो ये क्या ओवर प्राइस तो नहीं होंगे? तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि ये स्मार्टफोन इसी साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में भी। ऑनर पाकिस्तान में भी जल्द स्मार्टफोन अपने लॉन्च कर देगा। सो यार आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगर ऑनर का स्मार्टफोन ये लॉन्च होगा 40,000 की रेंज के दरमियान आसपास तो क्या आप ये बाय करेंगे या नहीं करेंगे। सो यार अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पहले से किया हुआ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।